नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से फील्ड एनर्जी एन इंडक्टर चेंजेस फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू अ मिनिमम वैल्यू इन टूम सेकेंड सवाल है और कनेक्टेड टू एन सोर्स सवाल है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज और हमारे ऑप्शन है ट्वेंटी फिफ्टी टू हंड्रेड या फिर फाइव हंड्रेड हर्ट ना आसान सवाल है इसको ऐसे देखना कि मान लीजिए ये आपका एक इंडक्टर है और आपने इसको एक ए सी सोज पे ऐसे लगाया हुआ है एल ई आपका इंडक्टर है ना इस सिनेरियो में जो आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है उसके बीच में जो टाइम का गैप है दैट इज फाइव मिली सेकेंड अब इसको ऐसे देखना इंडक्टर की जो एनर्जी है उसको आप लिखोगे एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर हाफ एल आई स्क्वायर इसका मतलब यह है कि अगर आपका ओरिजिनल सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी मान लो ओमेगा या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी एफ है तो एनर्जी क्योंकि आई स्क्वायर है इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी टू एफ हो जाएगी ठीक है इसकी फ्रीक्वेंसी टू एफ होगी यानी कि इसका टाइम पीरियड आपका इस वाले का टाइम पीरियड अगर टी है तो इसका टाइम पीरियड जो है टी बाय टू हो जाएगा ठीक है आप इसको ऐसे समझ ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो सोर्स है आपका आई नॉट आई इज इक्वल टू लेट से आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी ठीक है ये आपका सोर्स है ना यहाँ पे जब आप आई स्क्वायर करेंगे ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर को वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी जब लिखेंगे तो फ्रीक्वेंसी आपकी ट्वाइस एफ हो गई इसका मतलब ये है कि आपका जो पीक वैल्यू है अगर यहाँ पे आपका टाइम पीरियड टी है तो आपका पीक वैल्यू से मिनिमम वैल्यू जाने में टाइम जो लगेगा उसका टाइम लगेगा आपका टी बाई टू तो ये अगर आपका साइनस उडल सोर्स है यह आपका आई हो गया यह आपका टाइम टी है तो पीक वैल्यू से आपकी हम ये कह रहे हैं कि आपका मैक्सिमम तो मिनिमम वैल्यू जाने में तो मैक्सिमम से तो मिनिमम वैल्यू जाने में आपका ये जो टाइम है यहाँ से यहाँ तक ये टाइम आपका टी बाय टू लगता है अब ये ग्राफ आपका साइंस स्क्वायर का ग्राफ हो गया तो साइन स्क्वायर आपका ऐसे वेरी करेगा तो यहाँ से आपका मैक्सिमम से मिनिमम जाने का जो टाइम है उसकी वैल्यू टी बाय फोर हो जाएगी ठीक है सो टी बाय फोर इज इक्वल टू फाइव मिली सेकेंड्स अपने को यहाँ दे रखा है टी बाई फोर जो है दैट इज इक्वल टू फाइव मिली सेकंड इन टू टेन टू दावर माइनस थ्री सेकेंड इसको माइनस थ्री सेकेंड यानी कि आपका टी जो है फोर को उधर ले जाए ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाई टेन टू दी पॉर माइनस थ्री इसी की अगर फ्रीक्वेंसी आप यहां पे सवाल है फ्रीक्वेंसी की अगर बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी जो है आपकी वो दैट विल बी इक्वल टू वन बाय टी यानी कि आ गया वन बाय ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाई टी पावर माइनस थ्री इसको ऊपर ले जाते हैं सो टेन टू पॉवर थ्री हो गया टेन टू पावर थ्री डिवाइड बाई ट्वेंटी इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी फिफ्टी हर्ट्स दैट मीन्स आपको ऑप्शन टू जो है फिफ्टी हर्ट्स दैट वुड बी द राइट आंसर